प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे आपका स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। हमें गर्व है कि आज आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप हमेशा कहते हैं ये उपलब्धि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के प्रयासों का परिणाम है। भारत के बढ़ते प्रभाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें पिछले दिनों आपकी अध्यक्षता में हुई G20 समिट के दौरान देखने को मिला। इस समिट में एक ठोस और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए डिक्लेरेशन पर सबसे बड़े देशों का कंसेंसस बनना ऐतिहासिक घटना है। G20 समिट के डिक्लेरेशन में जेंडर, एनवायरनमेंट, ग्लोबल साउथ, यूक्रेन वॉर और क्लाइमेट टॉक्स में हमारी पोजीशंस ने भारत के उच्च नैतिक चरित्र को जग जाहिर किया है। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के तहत सुधार के लिए भारत के प्रयासों को जो समर्थन मिल रहा है वो दुनिया में हमारे बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। किसी देश की दुनिया की बड़ी ताकत बनने के लिए चार मुद्दों का ख्याल रखना होता है। इसमें पहला है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। भारत पिछले कई साल से दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज भारत विश्व का सर्विस सेक्टर पावर हाउस होने के साथ मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आईफोन और 5G टेक्नोलॉजी से लेकर फाइटर जेट्स और सैटेलाइट्स तक मेक इन इंडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है। 1 लाख स्टार्टअप्स और 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व के तीसरे नंबर पर है। 2014 में हम दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करते थे, अब बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ये बदलती टेक्निक और रिक्वायरमेंट्स का दौर है। दूसरी चुनौती इसी से जुड़ी है कि हम इसमें कैसे सबसे आगे निकलें। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस गौरव को प्राप्त किया है। इंडिया स्टैक, UPI और अकाउंट एग्रीगेटर इस्तेमाल में बेहद आसान और क्रांतिकारी हैं। DPI हमारे देश के वेलफेयर और गवर्नेंस आर्किटेक्चर की नींव है। दुनिया के अनेक देश हमारे इन सफल बदलावों से सीख ले रहे हैं। तीसरा मुद्दा है कि सरकार की नीतियां और प्रयासों का देश के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स की मदद से भारत ने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त किया है। मकान, पाइप्ड वाटर, सस्ते LPG सिलेंडर और किसानों को सीधे कैश ट्रांसफर जैसी योजनाओं ने सबसे कमजोर तबकों को आर्थिक प्रगति दी है। पिछले साल में जल जीवन मिशन के चलते पाइप्ड वाटर वाले घरों को की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ हो गई है। इस कड़ी में चौथा सवाल ये है कि देश संकट के समय कैसा बर्ताव करता है। कोविड के समय हमारी वैक्सीन मैत्री नीति ने इसके जरिए 3rd वर्ल्ड के कई देशों को वैक्सीन देकर उनकी मदद की। यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद अब वेस्ट एशिया पर आए संकट में हमारी नुआंस्ड पोजीशंस के जरिए हमने विश्व को विश्वास दिलाया है कि भारत हमेशा सत्य और न्याय के साथ खड़ा रहेगा। आज सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे बीच थे। हमको एक्सेस टू जस्टिस पर और काम करने की ज़रूरत है क्योंकि लोगों को इंसाफ के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। हेल्थ केयर यूनिवर्सलाइजेशन के दिशा में हमने बहुत प्रगति की है। अब तेज आर्थिक विकास के साथ हमको डायबिटीज़ जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां और कैंसर जैसे जानलेवा रोगों पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज इस समिट में कैंसर के नए ट्रीटमेंट्स पर हमने एक इंटरेस्टिंग सेशन में हिस्सा लिया। हमें युवा वर्ग के एजुकेशन और स्किल्स देने की चुनौती को भी पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग पर दिए जाने वाले जोर से इस दिशा में काफ़ी मदद मिलेगी। महिलाओं की वर्कफोर्स में हिस्सेदारी बढ़ाने बिना भारत के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सुखद है कि भारतीय महिलाएं
आज हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस सिलसिले में हमारी सेना की महिलाओं ने कॉम्बैट और कमांड रोल्स देना बड़ा फैसला है। आज दोपहर तीनों फोर्सेस की तीन महिला अफसरों ने हमसे बात की, नए भारत के निर्माण की इस यात्रा के बारे में विस्तार में से जानने के लिए मैं बहुत गर्व और आदर के साथ प्रधानमंत्री जी को हमें संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। शोभना भरतिया जी, हिंदुस्तान टाइम्स के आपकी टीम के सभी सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी गेस्ट, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं चुनावी मैदान में था तो वहाँ से आते आते थोड़ी देर हो गई, लेकिन सीधा एयरपोर्ट से पहुंचा हूं आपके बीच। शोभना जी बहुत बढ़िया बोल रही थी, यानी मुद्दे अच्छे थे, जरूर कभी न कभी पढ़ने को भी मिलेगा। चलिए, उसमें देर हो गई। साथियों, आप सबको नमस्कार। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में एक बार फिर आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, इसके लिए मैं एसटी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी और हमारा सेवा काल शुरू हुआ था, उस वक्त इस समिट की थीम थी रीशेपिंग इंडिया। यानी एसटी ग्रुप ये मानकर चल रहा था कि आने वाले समय में भारत में बहुत कुछ बदलेगा, रिशेप होगा। 2019 में जब हमारी सरकार पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ वापस आई, तो उस समय आपने थीम रखी कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। आपने एटी समिट के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया कि भारत एक बेहतर भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब 2023 में जब देश में अगले वर्ष होने वाले चुनावों की चर्चा हो रही है, तो आपकी थीम है बियॉन्ड बैरियर्स। और मैं जनता के बीच रहना जीने वाला इंसान हूं, पॉलिटिकल आदमी हूं तो, और जनप्रतिनिधि हो, तो मुझे उसमें कुछ एक संदेश दिखता है। आमतौर पर ओपिनियन पोल चुनावों के कुछ हफ्ते पहले आते हैं और बताते हैं क्या होने वाला है, लेकिन आपने साफ संकेत दे दिया है कि देश की जनता इस बार सारे बैरियर्स तोड़कर हमारा समर्थन करने वाली है। ट्वेंटी इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी बियॉन्ड बैरियर्स। साथियों, रीशेपिंग इंडिया से बियॉन्ड बैरियर्स तक के भारत के इस सफर ने आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव गढ़ दी है। इसी नींव पर
विकसित भारत का निर्माण होगा, भव्य और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। लंबे समय तक भारत और हम भारतीयों को अनेक बैरियर्स का सामना करना पड़ा। हम पर हुए हमलों और गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को बहुत सारे बंधनों में बांध दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो एक ज्वार उठा, जो जज्बा पैदा हुआ, सामूहिकता की जो भावना पैदा हुई, उसने ऐसे कई बंधनों को तोड़ दिया था। आजादी के बाद उम्मीद थी कि यही मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। अनेक तरह के बंधनों में बंधा हुआ हमारा देश उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया जितना उसका सामर्थ्य था। एक बहुत बड़ा बैरियर मानसिकता का था, मेंटल बैरियर्स। कुछ बैरियर्स रियल थे, असल में थे, कुछ बैरियर्स परसीव्ड थे, बनाए गए थे, और कुछ बैरियर्स एग्जेजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने हवे की तरह प्रस्तुत कर दिए गए थे। 2014 के बाद से ही भारत लगातार इन बंधनों को तोड़ने के लिए मेहनत कर रहा है। मुझे संतोष है कि हमें अनेक बाधाएं पार की हैं और हम बियॉन्ड बैरियर्स की बात कर रहे हैं। आज भारत हर बैरियर तोड़ते हुए चांद पर वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंचा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर वन बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप तीन में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। आज भारत G20 जैसे आयोजनों में अपना परचम लहरा रहा है। आज भारत अपने को हर बंधन से मुक्त करके आगे बढ़ रहा है। और आपने सुना ही होगा, सितारों के आगे जहां और भी है। भारत इतने पर ही रुकने वाला नहीं है। साथियों, जैसा मैं अभी कह रहा था, सबसे बड़ा बैरियर तो हमारे यहां माइंडसेट का ही था, मेंटल बैरियर्स थे। इसी माइंडसेट की वजह से हमें कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती थी। इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता, इस देश में कुछ बदल ही नहीं सकता, और अपने यहां सब ऐसे ही चलता है। अगर लेट आए तो भी कहते थे इंडियन टाइम, बड़े गर्व से कहते थे। करप्शन था, अरे उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है साहब, जीना सीख लो। कोई चीज सरकार ने बनाई है तो उसकी क्वालिटी खराब होगी ही होगी साहब, ये तो सरकारी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती जो पूरे देश को मेंटल बैरियर तोड़कर बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। गांधी जी ने दांडी यात्रा में उठाया तो एक चुटकी भर नमक था, लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का यह विश्वास बढ़ गया था। अभी चंद्रयान की सफलता से कोई 140 करोड़ देशवासी अचानक
वैज्ञानिक नहीं बन गए हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं बन गए हैं, लेकिन पूरे देश एक आत्मविश्वास से भरा हुआ माहौल आज भी हम अनुभव कर रहे हैं। और क्या निकलता है, हम कर सकते हैं, हम हर सेक्टर में आगे जा सकते हैं। आज हर भारतीय बुलंद हौसले से भरा हुआ है। स्वच्छता का विषय याद होगा आपको, कुछ लोग कहते थे कि लाल किले से पीएम का स्वच्छता की बात करना, टॉयलेट की बात करना इस पद की गरिमा के खिलाफ है। सैनिटरी पैड ऐसा शब्द था जिसे लोग खासकर पुरुष सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बोलने से बचते थे। मैंने लाल किले से विषय उठाए और वहीं से माइंडसेट बदलने की शुरुआत हुई। आज स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गया है। आप याद करिए, खादी को कोई पूछता तक नहीं था। हम जैसे नेताओं का यही वो विषय रह गया था, वो भी चुनाव में जरा लंबा कुर्ता पहन के पहुंच जाना, यही हो गया था। लेकिन अब पिछले 10 साल में खादी की बिक्री 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, जनधन बैंक अकाउंट्स की सफलता देशवासी जानते हैं, लेकिन जब हम इस योजना को लेकर आए थे तो कुछ एक्सपर्ट ने कहा था कि ये अकाउंट खोलना संसाधनों की बर्बादी है, गरीबी इनमें एक पैसा भी नहीं डालेगा। बात केवल पैसे की नहीं थी, बात थी मेंटल बैरियर तोड़ने की, माइंडसेट बदलने की। ये लोग गरीब के उस अभिमान को, उस स्वाभिमान को कभी समझ नहीं पाए जो जनधन योजना ने उस गरीब को मैं जगाया। उसे तो बैंकों के दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी, वो डरता था। उसके लिए बैंक अकाउंट होना भी अमीरों की चीज थी। जब उसने देखा कि बैंक खुद उसके दरवाजे तक आ रहे हैं तो उसमें एक विश्वास जगा, एक आत्माभिमान जगा, उसके मन में एक नया बीज पनपा। आज वो बड़े अभिमान से अपने जेब में से रुपए कार्ड निकालता है, रुपए कार्ड का इस्तेमाल करता है। हम तो जानते हैं, आज से 5-10 साल पहले स्थिति ये थी कि किसी बड़ी होटल में बड़े बड़े लोग खाना खा रहे हैं तो उनके बीच में भी कंपटीशन रहती थी। वो जब बटवा निकालता था तो चाहता था कि वो देखे कि उसके बटवे में 15-20 कार्ड है। कार्ड दिखाना भी फैशन थी, कार्ड की संख्या स्टेटस विषय था। मोदी ने उसको गरीब के जेब में डाल करके रख दिया था। मेंटल बैरियर कैसे तोड़े जाते हैं दोस्तों, आज गरीब को लगता है कि जो अमीर के पास है वो मेरे पास भी है। इस बीज ने वट वृक्ष बनकर कितने ही फल दिए। एसी कमरों की नंबर और नैरेटिव वाली दुनिया में रहने वाले लोग गरीब के इस मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं एक गरीब परिवार से आया हूं, गरीबी को जीकर यहां आया हूं, इसलिए जानता हूं कि सरकार के इन प्रयासों ने कितने सारे बैरियर्स को तोड़ने का काम किया है। माइंडसेट में ये परिवर्तन देश के भीतर ही नहीं बाहर भी आया है। पहले आतंकी हमला होता था तो हमारी सरकारें दुनिया से अपील करती थी कि हमारी मदद करिए, विश्व मत बनाने के लिए जाना पड़ता था, आतंकियों को रोकिए। हमारी सरकार में आतंकी हमला हुआ तो हमले का जिम्मेदार देश दुनिया भर से खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता है। भारत के एक्शन ने दुनिया का माइंडसेट बदला। 10 साल पहले दुनिया सोचती थी कि भारत क्लाइमेट एक्शन के संकल्पों में बाधा है, एक रुकावट है, नेगेटिव है। लेकिन आज भारत दुनिया के क्लाइमेट एक्शन के संकल्पों को लीड कर रहा है, अपने टारगेट को समय से पहले हासिल करके दिखा रहा है। आज माइंडसेट बदलने का प्रभाव हम स्पोर्ट्स की दुनिया में भी देख रहे हैं।
लोग खिलाड़ियों को कहते थे, खेल तो रहे हो लेकिन कैरियर में क्या करोगे, नौकरी का क्या करोगे। सरकारों ने भी खिलाड़ियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, ना उनकी ज्यादा आर्थिक मदद होती थी और ना ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता था। हमारी सरकार ने इस बैरियर को भी हटाया। अब आज एक के बाद एक टूर्नामेंट में हमारे यहां मेडल्स की बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, भारत में सामर्थ्य की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा और रियल बैरियर रहा है गरीबी का। गरीबी को स्लोगन से नहीं, सॉल्यूशन से ही लड़ा जा सकता है। गरीबी को नारे से नहीं, नीति और नियत से ही हराया जा सकता है। हमारे यहां पहले की सरकारों की जो सोच रही, उसने देश के गरीब को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं मानता हूं गरीब में खुद इतना सामर्थ्य होता है कि वो गरीबी से लड़ सके और उस लड़ाई में जीत सके। हमें उसे सपोर्ट करना होता है, उसे मूलभूत सुविधाएं देनी होती है, उसे एम्पावर करना होता है। इसलिए हमारी सरकार ने इन बाधाओं को तोड़ने के लिए गरीब को एम्पावर करके उस काम को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया। हमने न सिर्फ लोगों का जीवन बदला बल्कि गरीबों को गरीबी से उभरने में मदद भी की। इसके परिणाम आज देश स्पष्ट देख रहा है। और अभी शोभना जी बता रही थी, सिर्फ 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 13 करोड़ लोगों ने अपनी गरीबी के बैरियर को तोड़ा और देश के न्यू मिडिल क्लास में शामिल हुए हैं। साथियों, भारत के विकास के सामने एक बहुत बड़ा रियल बैरियर रहा है परिवारवाद और भाई भतीजावाद का। वही आदमी आसानी से आगे बढ़ पाता था जो किसी खास परिवार से जुड़ा हो या फिर किसी शक्तिशाली आदमी को जानता हो। देश के सामान्य नागरिक की कहीं कोई पूछ नहीं थी, चाहे खेल हो, विज्ञान हो, राजनीति हो या पद्म सम्मान हो। देश के सामान्य मानवी को लगता था कि अगर वो किसी बड़े परिवार से नहीं जुड़ा है तो उसके लिए सफल होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन आपने बीते कुछ सालों में देखा है कि इन सभी क्षेत्रों में देश का सामान्य नागरिक अब एम्पावर्ड एंड एनकरेज फील करने लगा है। अब उसे इसकी चिंता नहीं होती कि उसे किसी ताकतवर आदमी के यहां चक्कर लगाने होंगे, उसकी सहायता लेनी होगी। यस्टरडेज या अनसंग हीरोज आर कंट्रीज हीरोज टुडे। फ्रेंड्स, भारत में वर्षों तक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे विकास के रास्ते में एक बड़े और रियल बैरियर के समान रही है। हमने इसका समाधान निकाला है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आपको भारत के स्पीड और स्केल का अंदाजा लगेगा। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। मेरा सेवा काल शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूं। 2022-23 में हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए हैं। 2014 में देश के 5 शहरों में मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी थी। 2023 में देश के 20 शहरों में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी है। 2014 में देश में करीब 70 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे। 2023 में यह संख्या लगभग 150 तक पहुंच गई है, यानी यह आंकड़ा डबल हो गया। 2014 में देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज थे।
2023 में हमारे पास 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। 2014 में ग्राम पंचायतों तक सिर्फ 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, सिर्फ 350 किलोमीटर। 2023 तक हमने करीब 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर बिछाकर ग्राम पंचायतों को जोड़ा है। 2014 में 55% गांव ही पीएम ग्राम सड़क योजना से जुड़े थे। हमने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाकर ये आंकड़ा 99% तक पहुंचा दिया। 2014 तक भारत में करीब 20,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। ध्यान से सुनिए, 70 साल में 20,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, जबकि हमारी सरकार ने 10 साल में करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। ये आज के भारत की स्पीड है, स्केल है और भारत के सक्सेस का प्रतीक है। साथियों, बीते वर्षों में हमारा देश कुछ परसीव्ड बैरियर्स से भी बाहर निकला है। एक समस्या हमारे यहां पॉलिसी मेकर्स, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के दिमाग में भी थी। वो ये मानते थे कि गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। अनेक सरकारों ने भी इसे ही मान लिया और इसके कारण देश को राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ने लगी। लेकिन हमने गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स को एक साथ लाकर के दिखाया है। आज सब ये स्वीकार कर रहे हैं कि गुड इकोनॉमिक गुड पॉलिटिक्स भी है। हमारी बेहतर आर्थिक नीतियों ने देश में तरक्की के नए रास्ते खोले हैं। इससे समाज के हर वर्ग का जीवन बदला और इन्हीं लोगों ने हमें इतना बड़ा बहुमत देने के लिए स्थिर सरकार के लिए वोट दिया। चाहे जीएसटी हो, चाहे बैंकिंग क्राइसिस का समाधान हो, चाहे कोविड संकट से निकलने के लिए बनाई गई नीतियां हो, हमने हमेशा उन नीतियों को चुना जो देश को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे और सिटीजन्स को लॉन्ग टर्म फायदे की गारंटी दे। साथियों, परसीव्ड बैरियर्स का एक और उदाहरण है महिला आरक्षण बिल। दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन अब यह बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज एक सच्चाई है। फ्रेंड, आपसे बात करने शुरुआत में मैंने एक और विषय कहा था, एग्जैजरेटेड बैरियर्स की भी बात की थी। हमारे देश में कुछ बाधाएं, कुछ समस्याएं ऐसी भी रही जिन्हें पहले की सरकारों द्वारा और पंडितों के द्वारा, विवाद करने वाले लोगों के द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा बड़ा हवा खड़ा कर दिया था, ऐसा बड़ा बना दिया था। उदाहरण के लिए, जब भी कोई आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात करता था तो अनेकों बातें मैदान में आ जाती। एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो आसमान जमीन पर आ जाएगा। लेकिन 370 की समाप्ति ने उस पूरे इलाके को समृद्धि और शांति और विकास के नए रास्ते खोल दिए। लाल चौक की तस्वीरें बताती हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर का कायाकल्प हो रहा है। आज वहां टेररिज्म का अंत हो रहा है, टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है, ये हमारा पहुंचे इसके लिए भी हमारा कमिटमेंट है। साथियों, यहां मौजूद अनेक लोग मीडिया के क्षेत्र से है, हम तक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाने वाले मीडिया की प्रासंगिकता बहुत अधिक रही है। समय पर ब्रेकिंग न्यूज देने की परंपरा तो ठीक है, लेकिन ये एनालिसिस भी जरूरी है कि पहले किस तरह की ब्रेकिंग न्यूज होती थी और अब क्या होती है। 2013 से 2023 के बीच भले ही एक दशक का समय बीता हो, लेकिन इस दौरान आए बदलावों में जमीन और आसमान का अंतर है। जिन लोगों ने 2013 में इकोनॉमी को कवर किया है उन्हें याद होगा
कि कैसे रेटिंग एजेंसीज भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट का डाउनवर्ड रिवीजन करती थी, लेकिन 2023 में बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और रेटिंग एजेंसीज अब हमारी ग्रोथ फोरकास्ट का अपवर्ड रिवीजन कर रही है। 2013 में बैंकिंग सेक्टर की सस्ता हालत की न्यूज आती थी, लेकिन अब 2023 में हमारे बैंक अपने बेस्ट एवर प्रॉफिट्स और परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं। 2013 में देश में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की खबरें छाई रहती थी, लेकिन 2023 में अखबार और न्यूज चैनल्स में चलता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। 2013-14 की तुलना में इसमें 20 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रिकॉर्ड स्कैम से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट तक हमने एक लंबा रास्ता तय किया है। साथियों, 2013 में आपको ऐसे कई नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन मिल जाएंगे जो हेडलाइन देते थे कि कठिन आर्थिक स्थितियों के कारण मिडिल क्लास के सपने तबाह हो गए हैं। लेकिन साथियों, 2023 में बदलाव कौन कर रहा है? चाहे स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप हो, स्पेस हो या टेक्नोलॉजी हो, देश का मिडिल क्लास हर विकास यात्रा में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के मिडिल क्लास ने तेजी से प्रगति की है, उनकी इनकम बढ़ी है, उनका आकार बढ़ा है। 2013-14 में करीब 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। 2023-24 में यह संख्या डबल हो गई है और 7.5 करोड़ से अधिक लोगों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। टैक्स इंफॉर्मेशन से जुड़ी एक स्टडी बताती है कि 2014 में जो मीन इनकम 4.5 लाख रुपए से भी कम थी, वो 2023 में 13 लाख रुपए तक बढ़ गई है। इसका मतलब है कि भारत में लाखों लोग लोअर इनकम ग्रुप से हायर इनकम ग्रुप की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे याद है हिंदुस्तान टाइम्स में ही पिछले दिनों एक लेख छपा था जिसमें इनकम टैक्स डेटा से जुड़े अनेक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए गए थे। एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा, सालाना 5.5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वालों का है। साल 2011-12 में इस सैलरी ब्रैकेट में कमाने वालों की टोटल इनकम को जोड़ दें तो यह आंकड़ा था करीब 2.75 लाख करोड़ रुपए। यानी तब भारत में 5.5 लाख से 25 लाख सैलरी पाने वालों की कुल सैलरी जोड़ दे तो वो 2.75 लाख करोड़ रुपए से भी कम थी। 2021 तक ये बढ़कर 14.5 लाख करोड़ हो गई, मतलब इसमें 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसकी 2 वजह स्पष्ट है। 5.5 लाख से 25 लाख रुपए तक सैलरी पाने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है और इस ब्रैकेट में लोगों की सैलरी में भी काफी वृद्धि हुई है। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, यह एनालिसिस सिर्फ सैलरीड इनकम पर आधारित है। अगर इसमें बिजनेस से हुई इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से हुई कमाई, दूसरे इन्वेस्टमेंट से हुई कमाई और इसको जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथियों, भारत में बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और कम होती हुई गरीबी, ये 2 फैक्टर्स एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक साइकिल का आधार बन रहे हैं। जो लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, जो न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन रहे हैं, वो लोग अब देश की कंजम्पशन ग्रोथ गति को गति देने वाली बहुत बड़ी फोर्स के रूप में उभर रहे हैं। इस डिमांड को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारा मिडिल क्लास ही उठा रहा है। अगर एक गरीब को नए जूते खरीदने का मन करता है तो मिडिल क्लास की दुकान से खरीदता है, मतलब कि इनकम मिडिल क्लास की बढ़ती है, जीवन गरीब का बदलता है।
एक एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। यानी देश में कम हो रही गरीबी मिडिल क्लास को भी फायदा पहुंचा रही है। गरीब और मिडिल क्लास के ऐसे ही लोगों की आकांक्षा और इच्छा शक्ति आज देश के विकास को शक्ति दे रही है। इन लोगों की शक्ति ने ही भारत को 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है और अब यही इच्छा शक्ति हमारे थर्ड टर्म में भारत को दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल कराने जा रही है। साथियों, इस अमृतकाल में देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हर बाधा पार करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे। आज गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स तक ये मानने लगे हैं कि ये भारत का वक्त है, दिस इज भारत टाइम। हर भारतीय का आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बल पर हम किसी भी बैरियर उसके पार जा सकते हैं। अब मुझे विश्वास है कि 2047 में, यहां से कौन कितने होंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं 2047 में जब हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट होगी तो उसकी थीम होगी डेवलप्ड नेशन व्हाट नेक्स्ट। एक बार फिर इस समिट के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Prime Minister, sir, for being